हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक जी गुरु। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक बहुत ही अच्छे लैपटॉप की अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। दोस्तों वैसे तो ये लैपटॉप मार्केट में पिछले एक साल से है, बट जो आज की डेट में इसकी प्राइसिंग है ना, वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। दोस्तों अगर आप 50-60 की रेंज में अच्छा लैपटॉप लेने की सोच रहे हो और अगर आपका हैवी यूजेस है, कोडिंग रिलेटेड यूजेस है, डेली टास्क रिलेटेड, ऑफिस के लिए एक लाइट वेट लैपटॉप देखना चाहते हो, तो दोस्तों आज इस लैपटॉप की हम डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। वो लैपटॉप काफी वर्थफुल होने वाला है। वैसे अगर मैं देखूं दोस्तों 50-60 की रेंज में आपको डाला है और ये लैपटॉप आपको इजिली हमारे स्टोर पे अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए फटाफट बताते हैं कि इस लैपटॉप की क्या कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। ये लैपटॉप एचपी पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, एचपी पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है और काफी डिमांडिंग लैपटॉप है। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे भी इस लैपटॉप के बारे में डिटेलिंग करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो हमने सोचा कि करंट सिचुएशन में एक बजट लैपटॉप के अंदर ये जो लैपटॉप है ये काफी अच्छा सेगमेंट बना के रखता है, तो क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग करी जाए, अपने व्यूअर को इसकी डिटेल दी जाए, ताकि आप अपने हिसाब से देखें कि क्या ये लैपटॉप आपके लिए वर्थफुल है लेना या नहीं है। तो चलिए फटाफट हम लैपटॉप की डिटेल पे आते हैं और बताते हैं आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों ये हमारा आ चुका है लैपटॉप का बॉक्स। बॉक्स की डिटेल से पहले सबसे पहले मैं आपको एचपी पवेलियन 14 की डिटेल बताना चाहता हूँ। दोस्तों राइट नाउ अगर आप इस लैपटॉप में इंटरेस्टेड हैं, एचपी पवेलियन 14 जो कि इंटेल वेरिएंट के साथ आता है, इंटेल कोर i5 12 जनरेशन के साथ ये लेटेस्ट मॉडल आता है, आपकी सारी कंफ्यूजन इसी वीडियो में हम सर दूर कर देंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बीच में छोड़ के गए तो दोस्तों मजा बिल्कुल खराब होने वाला है। मेजरली हमें टोटल 4 मॉडल देखने को मिलेंगे जो कि नॉन टच में आता है। फर्स्ट जो मॉडल है DV2053T, ये दोस्तों जो मॉडल है ये 8GB रैम 512 SSD इंटेल i5 12 जनरेशन के साथ ये मॉडल आता है। प्लस अगर हम दूसरे मॉडल की बात करें दोस्तों, जो कि है 2014TU, बिल्कुल सही सुना और ध्यान से सुनिए दोस्तों, DV2014TU, ये जो मॉडल है ये DV2053TU का अपडेट मॉडल है। इस मॉडल में केवल आपको 16GB रैम प्लस फिंगरप्रिंट का ऑप्शन एड ऑन हो जाता है। साथ में दोस्तों इसी का एक और मॉडल आता है जो कि है DV2153TU। दोस्तों ये वेरिएंट भी 16GB रैम के साथ आता है, बट इसमें SSD जो स्टोरेज है वो 1TB की हो जाती है। दोस्तों ये बेसिकली 3 मॉडल अभी आपको मार्केट में पवेलियन 14 नॉन टच में देखने को मिलेंगे। साथ में इसका एक और मॉडल आता है जो सबसे ज्यादा बिकता है दोस्तों, वो DV2041TU विद 16GB रैम 512 SSD और टच स्क्रीन के साथ आता है, जो कि आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों काफी अच्छा मॉडल है, बट ये टच डिस्प्ले के साथ आता है। अगर आप टच डिस्प्ले में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये तीनों मॉडल आप बिल्कुल अपनी बाइंग लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बिकने वाले पवेलियन इंटेल कोर के अंदर ये लैपटॉप आपको मिलेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने बॉक्स की डिटेल पे। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी और पवेलियन 14 में जो भी आपकी कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। बेसिकली 4 मॉडल है। फटाफट हम अपने लैपटॉप की डिटेल पे आते हैं और दिखाते हैं कि हम किस मॉडल की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है इसके और भी मॉडल के अनबॉक्सिंग में तो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। तो चलो फटाफट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा बॉक्स आया। दोस्तों अभी हम जिस मॉडल की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है एचपी पवेलियन 14 DV2014TU। दोस्तों ये जो मॉडल है ये इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आता है। और अगर हम प्रोसेसर नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको प्रोसेसर दिखाना चाहूंगा। प्रोसेसर है 1235U, इंटेल का काफी ज्यादा बिकने वाला प्रोसेसर है। दोस्तों कोर थ्रेड की बात में हम आप बाद में करते हैं। साथ में इसके अंदर जो रैम आती है वो LPDDR4 रैम आती है, DDR4 रैम इसे कहेंगे, जो कि 3200 MHz की क्लॉक मेमोरी के साथ में आती है। और अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे तो NVMe 512 GB की स्टोरेज है, विंडोज 11 ऑफिस 2021 प्लस फिंगरप्रिंट रीडर एंड बैकलिट कीबोर्ड के साथ में आता है। ये सारी डिटेल आपको बॉक्स पे मेंशन मिल जाएगी दोस्तों। तो ये बॉक्स की डिटेल होगी। चलिए फटाफट हम आपको लैपटॉप की फर्स्ट लुक दिखाते हैं कि लैपटॉप की फर्स्ट लुक कैसी होने वाली है। तो चलो दोस्तों फटाफट लैपटॉप की डिटेल पे आते हैं। तो दोस्तों ये हमने लैपटॉप की अनबॉक्सिंग कर रखी है। अगर आप अनबॉक्सिंग करते हैं तो 3 चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, लैपटॉप चार्जिंग अडॉप्टर जो कि 65 वॉट का आता है, स्मार्ट पिन के साथ में होता है और एक मैनुअल। तो इस तरीके से ये हमारा लैपटॉप आ जाता है दोस्तों। ये है एचपी पवेलियन 14, काफी स्लिम काफी पतला एल्युमिनियम बिल्ड के साथ में लैपटॉप आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों फर्स्ट लुक आपको कैसा लगा वीडियो में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये जो बिल्ड क्वालिटी है ये एचपी पवेलियन सीरीज में आपको देखने को मिलती है।
है। तो दोस्तों फटाफट हम बात करते हैं सबसे पहले इस वीडियो में इसकी बिल्ड क्वालिटी की। अगर आप 60,000 खर्च कर रहे हैं तो क्यों खर्च कर रहे हैं, क्या ये वर्थफुल है लेना नहीं है। तो दोस्तों काफी स्लिम बॉडी के साथ में लैपटॉप आपको देखने को मिलता है। चलिए फटाफट देखते हैं कि इसके बिल्ड क्वालिटी में अपर और कीबोर्ड फ्लेक्स कैसा है। तो अगर दोस्तों मैं बात करूंगा अपर फ्लेक्स की, तो हल्का फुल्का अपर फ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा और इतना फ्लेक्स आपको हर लैपटॉप के अंदर देखने को मिलता है। साथ में अगर हम कीबोर्ड फ्लेक्स की भी बात कर लेते हैं तो कीबोर्ड फ्लेक्स ना के बराबर आपको देखने को मिलता है। तो बैक और फ्रंट दोनों मेटल बिल्ड के अंदर आते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये जो लैपटॉप है ये मेटल बिल्ड के साथ में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आपको साथ में मैं दिखाना चाहूंगा कि इसकी हिंजेस क्वालिटी कैसी है। दोस्तों ये लैपटॉप एक हाथ से ओपन होता है, नहीं हो रहा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन आप घबराइए मत, हिंजेस क्वालिटी काफी अच्छी है। प्रॉपर इस लैपटॉप को ओपन करने का तरीका ये है दोस्तों, इस तरीके से लैपटॉप आपका ओपन होता है और हिंजेस की क्वालिटी में तो आप मतलब बेफिक्र रहिए, ये हिंजेस क्वालिटी मिलती है दोस्तों। काफी स्टेबल हिंजेस है, मतलब आप किसी भी वे में हिंजेस को कहीं भी लाके आप फिल कर सकते हैं। इस तरीके से हिंजेस आपको काफी रिलायबल इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिए हिंजेस की क्वालिटी, आपके सामने हमने टेस्ट करी है दोस्तों। किसी भी वे में आप हिंजेस को मतलब एज टू एज भी कर दीजिए तो भी ये लैपटॉप बंद होने वाला नहीं है। तो इस तरीके की बिल्ड क्वालिटी आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलती है। फ्रंट और बैक दोनों मेटल का मिलता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी डिस्प्ले की, तो अगर मैं आपको इसमें डिस्प्ले दिखाना चाहूँ दोस्तों, चलिए फटाफट हम पहले एक वीडियो प्ले करते हैं। इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। हम एक एक चीज काफी डीपली इसके अंदर सर्च करेंगे और आपको दिखाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों डिस्प्ले की, तो ये जो डिस्प्ले है ये फुल HD IPS पैनल आपको देखने को मिलता है। एक फुल HD IPS पैनल 3-साइड नैनो बेजल्स के साथ में है। प्लस अगर बात करते हैं डिस्प्ले की, तो ये जो डिस्प्ले है ये एक ग्लॉसी डिस्प्ले होने वाली है दोस्तों। गोल्ड ग्लॉसी डिस्प्ले की कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी हम बिल्कुल बोलेंगे। देखिए डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर नाइट में आपको, जैसे अभी देखिए हम लाइट में इस लैपटॉप को यूज कर रहे हैं तो डिस्प्ले काफी ब्लर नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसी डिस्प्ले को आउटडोर में ले जाते हैं तो काफी अच्छी काफी क्रिस्पी डिस्प्ले निकल के आती है। तो कलर एक्यूरेसी में दोस्तों ये जो डिस्प्ले है मुझे काफी अच्छी लगी, काफी अच्छे कलर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। देखिए एक हम काफी व्हाइट वाला आपको दिखाएंगे, एक वीडियो चलाते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इसका वीडियो क्वालिटी कैसी है। देखिए इस तरीके का कुछ वीडियो आने वाला, एक एक कलर बिल्कुल क्लियर आपको इसमें नजर आएगा। तो अगर आप 60,000 खर्च कर रहे हैं तो एक फुल HD IPS एंटी ग्लेयर तो नहीं ग्लॉसी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। ये 250 nit और 45% NTSC के साथ में आती है। तो दोस्तों मिला जुला के डे टू डे टास्क के लिए डिस्प्ले काफी अच्छी होने वाली है। IPS डिस्प्ले का आपको ये फायदा मिलता है कि जो आपका व्यू एंगल है वो 180 डिग्री 170 डिग्री से भी ये डिस्प्ले बर्न नहीं होती है। तो डिस्प्ले मिला जुला के 14 इंच सेगमेंट में काफी अच्छे डिस्प्ले HP आपको देता है। साथ में दोस्तों अगर बात करते हैं ट्रैक पैड की, तो एक 14 इंच का विदाउट न्यूमेरिक ट्रैक पैड आपको मिलता है। साथ में आपको फिंगरप्रिंट रीडर आपको फ्रंट पे मिल जाता है और एक काफी बड़ा ट्रैक पैड मिलता है जो कि जेस्चर सपोर्ट करता है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के वो काफी जेस्चर है जो आप एक प्रीमियम फील के साथ इस लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। साथ में ये लैपटॉप आपको बैकलिट कीबोर्ड के साथ मिलता है। अगर आप नाइट में भी इस लैपटॉप को यूज करते हैं तो इस तरीके की कुछ बैकलिट मिलेगी जो काफी प्रीमियम फील देता है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं फ्रंट पैनल की, तो कीबोर्ड ट्रैक पैड भी हमें काफी अच्छा देखने को मिला। और की इम्प्रेशन की बात करूं दोस्तों, तो मुझे तो की इम्प्रेशन काफी अच्छा लगा। दैट मींस अगर आप डे टू डे टास्क में अगर टाइपिंग करते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने होने वाली है। आप काफी लॉन्ग लास्टिंग इस लैपटॉप को बिना किसी पेन के साथ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने बात करी डिस्प्ले की, कीबोर्ड क्वालिटी की, ट्रैक पैड की और फ्रंट पे आने वाले कुछ मतलब सिंबल की, जिसमें हम दिखाना चाहेंगे फ्रंट पे आपको इंटेल i5 12th जनरेशन का स्टिकर, इंटेल आरिस एक्सी का स्टिकर, बी एंड ओ की ब्रांडिंग क्योंकि HP अपनी पवेलियन सीरीज में बी एंड ओ स्पीकर देता है, और फ्रंट पे ये आपको HP सपोर्ट का स्टिकर देखने को मिलता है। साथ में हम बात कर लेते हैं इसके बैक पैनल की, तो वही स्टैंडर्ड बैक पैनल, आपको काफी अच्छी वेंटिलेशन मिल जाती है दोस्तों बैक पे। साथ में MS आपको विंडोज 11 का स्टिकर देखने को मिलेगा और दो दो रबर बिट मिलती है। साथ में अगर हम ध्यान से देखें तो दो दो वॉट के डाउन स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे। स्पीकर की क्वालिटी हम चलिए हैंड टू हैंड टेस्ट कर ही लेते हैं दोस्तों कि स्पीकर की क्वालिटी क्या होने वाली है। इस वीडियो को तो हम बिल्कुल प्ले नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हमने इसे प्ले कर दिया तो कॉपीराइट आना जरूरी है। तो हम प्ले करेंगे एक नॉन कॉपीराइट वीडियो, चलिए दिखाते हैं आपको वीडियो क्वालिटी।
तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो क्वालिटी कैसी लगी। मुझे तो पर्सनली एचपी की पवेलियन सीरीज की जो स्पीकर क्वालिटी होती है, क्योंकि एचपी इसमें बीएनडो के स्पीकर यूज करता है। बीएनडो वो ब्रांड है जो काफी अच्छे स्पीकर, ग्रिल और म्यूजिक इक्विपमेंट बनाता है। तो मेरे हिसाब से ये साउंड क्वालिटी अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है और एक प्रीमियम फील देती है कस्टमर को। तो इस हिसाब से आपने देखा साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में ये लैपटॉप काफी अच्छा रहा दोस्तों। तो चलिए, अगर आप 65 और 60,000 के बीच में अगर प्राइस एड ऑन कर रहे हैं तो ये चीजें तो जस्टिफाई करती हैं। अब हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं कि क्या प्रोसेसर और कॉन्फ़िगरेशन जस्टिफाई करता है नहीं करता है। सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल पैनल दिखाना चाहूंगा दोस्तों, आइए मैं दिखा दूं। अगर हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो इसमें आपको इंटेल i5 12 जनरेशन 1235U का प्रोसेसर मिलता है दोस्तों। हम सबसे पहले इस प्रोसेसर के बारे में समझ लेते हैं। मैं अपने वीडियो में एक एक चीज काफी डीपली बताता हूं दोस्तों। ये जो प्रोसेसर है ये इंटेल के हाइब्रिड स्ट्रक्चर पे काम करता है, दैट इज इसमें आपको 10 कोर मिल जाते हैं और 12 थ्रेड मिल जाते हैं। अगर हम कोर की बात करें और दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, परफॉर्मेंस स्कोर और एफिशिएंस स्कोर। दोस्तों ये चीज हम अपने हर वीडियो में बताते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि इंटेल का 12 जनरेशन हाइब्रिड स्टैक पे काम करता है। तो इस तरीके ने आपने देखा कि इंटेल में आपको 10 कोर मिले जिसमें से 2 परफॉर्मेंस स्कोर मिले, 8 एफिशिएंस स्कोर मिले। परफॉर्मेंस स्कोर हैवी टास्क को डील करते हैं और एफिशिएंस स्कोर आपके डे टू डे टास्क को डील करते हैं दोस्तों। चलिए मैं अब आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूं जो मेरे हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम देखते हैं मैक्सिमम ओवरक्लॉकिंग की, तो इस प्रोसेसर के अंदर 4.4 की ओवरक्लॉकिंग मिलती है। और अगर हम बेस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 3.3 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी आपको यहां देखने को मिलती है। और कैशे की बात करते हैं दोस्तों तो 12 MB की आपको कैशे देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से ये जो प्रोसेसर है ये काफी अच्छा प्रोसेसर रहा है दोस्तों। तो प्रोसेसर के मामले में नो डाउट ये जो लैपटॉप है ये इस बिल्ड क्वालिटी के साथ में जस्टिफाई करता है। तो चलिए प्रोसेसर के साथ में हम रैम दिखा देते हैं। इसमें दोस्तों 16 GB की, 16 GB की आपको DDR4 रैम मिल जाती है जो कि ड्यूल चैनल मेमोरी के साथ में आती है। देखिए कई लोग कहेंगे कि इसमें दोनों स्लॉट यूज है, बट दोनों स्लॉट यूज होने का आपको एक बेनिफिट भी मिलेगा। वो बेनिफिट क्या मिलेगा हम वीडियो की लास्ट में आपको जरूर बताएंगे। क्योंकि 12 जनरेशन में अगर ड्यूल चैनल मेमोरी नहीं होती है तो उसके भी अपने डिसएडवांटेज होते हैं। और अगर आप ड्यूल चैनल मेमोरी देते हैं, ब्रांड आपको ड्यूल चैनल मेमोरी देता है, उसके क्या एडवांटेज होंगे। साथ में इसमें आपको SSD मिल जाती है, आपको WD की 512 GB की SSD मिल जाती है। साथ में कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें Wi-Fi 6 ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। अब साथ में हम ग्राफिक कार्ड देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। इस लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल आयरिस ग्राफिक कार्ड देखने को मिला जो कि 1800 MHz की क्लॉक स्पीड के साथ में आता है सर। लेकिन ये ग्राफिक कार्ड आपको कम मिलेगा जब ये लैपटॉप ड्यूल चैनल मेमोरी के साथ में आएगा। दैट मींस अगर दो स्लॉट है दोनों पे सेम फ्रीक्वेंसी की इक्वल रैम लगी होनी चाहिए तो ये ग्राफिक कार्ड एक्टिवेट होता है। और इस ग्राफिक कार्ड में आप अपनी हल्की फुल्की एडिटिंग से लेके मीडियम साइज तक की एडिटिंग इजीली कर सकते हैं दोस्तों। दैट मींस फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर आप इस लैपटॉप पे चला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बट जिनका कोडिंग का काम है, जिनको डे टू डे टास्क में जैसे बीटेक के स्टूडेंट हो गए, कोडिंग के लिए लैपटॉप प्रेफर करना चाहते हैं, बजट आपका 60-65,000 में, आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की एडिटिंग करनी है, जैसे आपको YouTube थंबनेल बनाना है, तो भी आप इस लैपटॉप को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि फोटोशॉप इजीली चल जाएगा बिकॉज इसमें इंटेल आईरिस एक्स ग्राफिक कार्ड आ रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने आपको इस लैपटॉप की सारी डिटेल बताई दोस्तों, हार्डवेयर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया। आप में चलो एक चीज और कवर करते हैं कि इस लैपटॉप के अंदर कौन कौन से पोर्ट आते हैं। तो फटाफट मैं आपको राइट हैंड के पोर्ट दिखाना चाहूंगा। मैं दिखाना चाहूंगा कि राइट हैंड में वही स्टैंडर्ड पोर्ट आते हैं। एक आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, HDMI पोर्ट मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, 3.0 USB है, और एक टाइप की चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो कि स्लीप चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसका बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि अगर अपने लैपटॉप को आप शट डाउन करके बंद कर देते हो तो भी ये एज ए पावर बैंक आपके किसी भी स्मार्ट डिवाइसेस को चार्ज कर देगा। अपना पावर बैंक, अपना स्मार्टफोन, कुछ भी इस टाइप की पोर्ट से चार्ज कर सकते हो। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड में हमें काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट मिलते हैं। आज में हम आपको दिखाते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में आने वाले पोर्ट की। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आपको हमेशा की तरह आपको एक USB मिल जाएगी और एक माइक इन का ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये बैक पैनल भी आपको दिखा देता हूँ। बैक पैनल काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कई लोग बैक पैनल को नहीं देखते हैं, बट हमेशा बैक पैनल को देखना चाहिए। अगर आप इस लैपटॉप को देखेंगे और हम इसे लिफ्ट करते हैं दोस्तों तो इस तरीके से लैपटॉप ओपन हो जाता है और आप देखिए काफी अच्छी वेंटिलेशन की स्पीड बन जाती है। लेकिन ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इस लैपटॉप के अंदर काफी अच्छी चीज है, यहाँ पे दो रबर ग्रिप लगी हुई है। दैट मींस कई लोग रबर ग्रिप वाले लैपटॉप ले लेते हैं, कुछ टाइम बाद अगर आप इसी तरीके से लैपटॉप को लिफ्ट करते हैं तो आपके हिंजेस यहाँ से खुल जाते हैं। इस लैपटॉप में वो दिक्कत नहीं आने वाली है। कंफर्ट वेंटिलेशन के साथ
में और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में ये लैपटॉप आपको मिलता है दोस्तों। चलिए सारी डिटेल हमने आपको बताई, ये लैपटॉप कौन कौन लोग प्रेफर कर सकते हैं। डे टू डे टास्क में तो आप ये लैपटॉप बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आपका कोडिंग का काम है, अगर आपका कोडिंग के लिए कोई बीटेक का स्टूडेंट लैपटॉप लेना चाहता है और डे टू डे टास्क के लिए लेना चाहता है, तो ये लैपटॉप लाइट वेट है और आप इजी कैरी कर सकते हो। इस हिसाब से अगर आप बीटेक के स्टूडेंट, आपको कोडिंग के लिए लैपटॉप लेना है तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि फुल की एडिटिंग भी आप इस पे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो केवल मैं उन लोगों को छोड़ देता हूँ जिनको हैवी एडिटिंग का काम करना है, बाकी सभी लोग ये लैपटॉप ले सकते हैं और हल्की फुल्की गेम तो यार आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाई लेवल की गेम इस पे नहीं चलेगी, इसमें थर्मल नहीं आते हैं और 4.4 की गार्ड से आपको मतलब जो ओवरक्लॉकिंग है वो मिलती है। तो इस हिसाब से नॉर्मल आप गेम खेल सकते हैं, GTA Vice City हो गया, Valorant तक आप इस पे गेम खेल सकते हैं, हमने खेला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पबजी तो चलो मोबाइल में अच्छा लगता है, बट आप इस पे ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। इस हिसाब से ये सबके लिए लैपटॉप में प्रेफर कर आप कर सकते हो, केवल उन लोगों के लिए लैपटॉप नहीं है जिन्हें हैवी टास्किंग हैवी एडिटिंग का काम करना है, उनके लिए मैं विक्टस प्रेफर करता हूँ। विक्टस काफी अच्छा लैपटॉप है, इसी बजट में आपको विक्टस मिल जाता है, लेकिन ये जो लैपटॉप है ये कोडिंग वाले स्टूडेंट डे टू डे टास्क के लिए काफी अच्छा है, बिकॉज बिल्ड क्वालिटी एक लाइट वेट मशीन है। अगर मैं इसके वेट की बात करता हूँ तो 1.48 kg का वेट इस लैपटॉप का होने वाला है, जो कि एक लाइट वेट लैपटॉप है। और अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसकी जो बैटरी है वो 41 वॉट और 3 सेल बैटरी है, तो ओवरऑल आपको 5-6 आवर का इजिली बैकअप ये लैपटॉप दे देगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप इस लैपटॉप के और भी वेरिएंट की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बिकॉज यार हमें ना बहुत अच्छा लगता है जब हम इतनी मेहनत करके कोई वीडियो बनाते हैं और हमें लगता है कि हमारे दोस्तों ने लाइक किया सब्सक्राइब किया, तो हमें और अच्छा लगता है। तो फटाफट दोस्तों अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि अगला किस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग हम देखना चाहते हो। चलो दोस्तों लैपटॉप की बॉक्सिंग को यही एंड करते हैं, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। बहुत ही जल्दी हम एक और वीडियो लेके आ रहे हैं, जो कि पवेलियन प्लस की वीडियो है, वो भी काफी अच्छी वीडियो होने वाली होगी। दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये उनके लिए जो 50-60 की रेंज में एक अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं, एक लाइट वेट लैपटॉप लेना चाहते हैं और मेटल बिल्ड के साथ लेना चाहते हैं, तो गो फॉर दिस। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।